भोपाल की बाग मुगालिया एक्सटेंशन कॉलोनी अरविंद विहार में जनता ने रविवार को जर्जर और टूटी सड़कों को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। करीब 200 महिला, पुरुष और बच्चों ने एकत्रित होकर सड़क किनारे हंसी और ठहाके लगाए। लोग हंसते हुए बोले, 2 साल से सड़क नहीं बनी है, सरकार जागो। उन्होंने हाथों में बैनर और तख्तियां ले रखी थी जिस पर लिखा था, जनता करती है पुकार, अच्छी सड़क दे सरकार। वहीं तख्तियों पर सरकार की तरफ से अच्छी सड़कें हमारा अधिकार, गड्ढों से निजात दे सरकार, ये तमाम बातें भी लिखी हुई थी। यहाँ तकरीबन 200 मीटर की सड़क जर्जर हो चुकी है। नगर निगम के तमाम अधिकारी और कर्मचारी सो रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन्हें कई दफे कंप्लेन की गई, जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। सड़क के लिए 3 करोड़ रुपए का टेंडर होने की जानकारी भी मिली, लेकिन उसके बाद भी सड़क निर्माण नहीं किया जा रहा। बाग मुगलिया एक्सटेंशन कॉलोनी विकास समिति के अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने कहा कि 2 किलोमीटर की सड़क 2 साल में नहीं बन पाई, जबकि अभी प्रधानमंत्री के भोपाल आगमन पर सड़कों को चमका दिया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के बच्चे, महिला, बुजुर्ग और युवा सभी ने अरविंद विहार पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे खड़े होकर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।